जिसपे रविशंकर प्रसाद ने अपना कमेंट भी किया है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबूत दिए जाने चाहिए। आपका प्रश्न यह है कि उन्होंने जो पूछा है वो सबूत दिए जाने चाहिए नहीं दिए जाने चाहिए, प्रश्न यह है आपका। जहां तक प्रधानमंत्री के समर्थन का सवाल है, पूरे देश ने उनका समर्थन किया है और ये मुद्दा भी ऐसा ही जिस पर पूरे देश को होना चाहिए, पहले भी थे अब भी हैं आगे भी करेंगे। लेकिन जब सारी दुनिया में पाकिस्तान ने इस मुद्दे को जब उठाया कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ और प्रधानमंत्री महोदय और बीजेपी को उसका पूरा पूरा लाभ वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं ठीक है देशभक्ति हो रही है, पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजनीतिक लाभ तो डेफिनेटली बीजेपी को मिल रहा है। तो जब दुनिया में पाकिस्तान ने यह सवाल खड़ा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो केजरीवाल जी ने उस संदर्भ में वो बात कही है कि हम दुनिया को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ये सवाल केवल केजरीवाल जी को सेटिस्फाई करने का नहीं है, उन्होंने प्रश्न उस संदर्भ में उठाया कि जब पाकिस्तान गुल्लम गुल्ला सारी दुनिया में कह रहा कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम दुनिया को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें बताना पड़ेगा जो इस बात को अप्रूव करता हो कि ऐसा हुआ है। एज वेल अरविंद केजरीवाल, उनको भी उसकी सूचना मिलेगी 7 डेज नहीं उसी वक्त। चलिए मनीष पारिक साहब, आपने सभी को सुना, अनिल शेखावत जी का समीक्षा है कि प्रतिपक्ष को ये कहीं महसूस होता है कि इस पे पोलराइज करने की, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर राजनीति सरकार कर रही है तो प्रतिपक्ष से लामबंद हो रहा है, और उनका ये कहना है कि सरकार से सबूत नहीं मांग रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को आप संतुष्ट करिए, उनका कहना है कि जिस चीज के लिए हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और यूएनओ में भी वो ये कह रहा है कि कोई सर्जिकल अटैक हम पे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी भूमिका के लिए वहां के लोगों को जवाब देना है कि हम भी इतने सशक्त हैं कि किसी तरह का कोई अटैक हुआ नहीं है, और अगर हुआ है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। ये संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सबका ये कहना है कि उसका मुंह बंद करना चाहिए, प्रतिपक्ष को जवाब नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हम जिस चीज को गेन करना चाहते हैं वो सबूतों के साथ की जानी चाहिए। वो तो चिदंबरम जी को पता है कि जो पहले की जो भी कार्रवाई हुई, घटना हुई, वो तो पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया था कि हम स्ट्राइक्स का ओपन नहीं करेंगे। अभी भी पाकिस्तान ने नहीं कहा है कि हमारे बीच में ऐसी बात हो रखी थी कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन जनवरी 2013 का जो है वो किसी कमिटमेंट या एग्रीमेंट से बंधा हुआ नहीं था, वो हमारे यहीं का एक नीतिगत निर्णय तय हुआ कि हमें इसको एक्सपोज नहीं करना है कि वो दो जवानों के सिर काट के ले गए तो हमने जवाबी कार्रवाई की है और वहां उनके बंकर्स को तोड़ के आ गए हैं या वहां के टेररिस्ट को मार के आ गए हैं। ये एक पॉलिसी तय की गई थी कि हम नहीं कह सकते ये जो चिदंबरम कह रहे हैं, क्योंकि गृहमंत्री थे उस वक्त वो भी। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को ये नहीं कहा है कि हमारे यहां पर कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, भारत झूठ बोल रहा है, ये भी नहीं हुई बात। मजे की बात क्या है कि ये सब कुछ करा धरा ये इन लोगों का है जिनको लगता है कि भाजपा को इसका क्रेडिट मिल रहा है, और यहीं पे असली कहानी शुरू होती है। 13 की बात, 9 की बात, 4 की बात, 2 की बात, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि ये हीरो बन गए हैं बीजेपी वाले, और हम जो हैं वो सेना के लिए हमने कुछ किया या नहीं किया। दो बातें इन्होंने शक गुंजाइश पैदा करी देश में, एक तो सरदार जी जिन्होंने ये बात कही सेना के कि इस तरह की बात हुई है, उसमें संख्या लिखी या नहीं लिखी वो अलग बात थी, ये बताना भी ठीक नहीं है कि है नहीं है, ये भी पॉलिसी उनकी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो करना है विपक्ष को वो कर दिया उसने। अल्टीमेटली इस बारे के कारण पूरे देश में जो इनकी थूथू हुई है उसके कारण ये बात अब उनको कहना पड़ रहा है, और एक एक व्यक्ति जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहा है, क्योंकि अब ये वीरता का किस्सा ये हो गया। बॉर्डर की लड़ाई जिन लोगों ने सेना पर उंगली उठा रहे हैं कि हमने किया भी नहीं किया, उनका सीधा सीधा आरोप है कि भारत की सेना झूठ बोल रही है, उनका ये इंप्लीमेंट है। किसने कहा, ये किसने कहा, कह दिया सबूत देने चाहिए, सबूत देने चाहिए, स्ट्राइक हुआ है नहीं हुआ, इसका बात पर ये समझा जाता है। वो तो साहस नहीं है आप में, आपकी मन की इच्छाएं हैं लेकिन उसको लफ्ज पे लाने का साहस नहीं है। कल वो भी आ जाएगा, जब किस तरह नंगे हो सकते हैं वो कल हो जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि भारत की सेना पे ये शक करना कि इन्होंने स्ट्राइक किया या नहीं किया, सबसे बड़ा काम तो इन्होंने अपने आप पे एक्सपोज कर ही दिया है कि भारत को सबूत देने चाहिए। इनके कहने से देंगे, इंटरनेशनल पॉलिसी पहले थी नहीं बताने की, अब बताने की हो गई है। अल्टीमेटली ये जो है बिल्कुल आगे बढ़ जाना, आप जो कह रहे हैं उसी का मैं एक सवाल में रही है कि इस तरह के ऑपरेशंस
अगर कोई नेवर कंट्री के साथ में सीमा पर अगर कोई कोई बात होती है, ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे तय होती है, आपके डिफेंस मिनिस्टर के स्तर पे तय होती है कि इस बात को कहना है कि नहीं कहना है। इसमें पर्टिकुलर सेना अपनी तरफ से कोई वक्तव्य दे नहीं सकती है। डीजीएमओ स्तर के अगर अधिकारी आकर के डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन वो अगर कोई बात कह रहा है, निश्चित रूप से उसे क्लू मिला होगा सरकार की तरफ से, उसे कहा गया होगा कि आप इस बात का खुलासा करिए, अदरवाइज ऐसे होता नहीं कह दिया। अब अजीत का कहना यह है कि झूठ बोल रहे हो, मेरा मतलब यही तो है, मैं आप वही कहने जा रहे हो योगेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नहीं, अगर उन्होंने किया है तो सबूत दे दो, इनके कहने से दे दें भारत की। अच्छा, मजे की बात यह भी नहीं है, बात यह है कि वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट यू वॉन्ट टू, आप बताना क्या चाहते हो, इस बात से क्या अर्थ निकाला जाएगा कि साहब पाकिस्तान पे आपने कराया तो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है तो जवाब दे दो, ये कौन हो कहने वाले आप, पूछ रहे तो पूछ देंगे, बताएंगे बता देंगे, जिनको जिन्होंने आप ये सर्जिकल स्ट्राइक तय कराया वो ये भी तय कर देंगे। लेकिन यहां बोलने का मतलब योगेंद्र जी समझो आप, ये अल्पसंख्यकों के वोट है ना, जो जिन लोगों को लगता है कि ये सीधी सीधी बात उठाएंगे, देख क्या मर्द आदमी है, इसने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उसको वोट मिलेंगे, और ये इनकी चाल है और कुछ भी नहीं है, इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इनको भी लेकिन ये चाल ही लग रही है कि गवर्नमेंट की भी कहीं है, जैसे चाल ये गंभीर बात है। अरे गवर्नमेंट की बात तो बात की है, मिलिट्री पर क्वेश्चन नहीं है, और मिलिट्री पे आज तक नहीं होता था, आज वो भी कर लिया इन्होंने, इनके जितने नीचे गिर सकते थे ये साहस पहले होता नहीं था किसी ने, कोई इस तरह की समीक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता नहीं था, आज वो भी हो गया है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई कोई दिन होगी तो उसके बारे में सवाल पूछते रहेंगे, पूछ सकते हैं, अल्टीमेटली यूएनओ का क्वेश्चन नहीं है ये पाकिस्तान का क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन भारत के विपक्षी लोगों का है। हाँ हाँ, कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं, देखे कैसे सुनिए, आप सुनिए, यूएनओ ने पूछा है क्या मामले में, पाकिस्तान ने पूछा है, आप लोगों के नंगे हो गए, नरेंद्र मोदी मिट्टी के बारे में सवाल कर रहे हो, बड़े आदमी हो, आपने हिमालय को सवाल कर रहे हो, आप कौन हो, यूएनओ ने पूछा क्या, देश की सत्ता अरे संजय संजय जी ने आपको किसने अधिकार दिया कि करके पूछा हो, क्योंकि बंगाल से वोट चाहिए आपको, आज लोगों ने वोटों की बात भी सीखा है, भारत की सेना को संकट में डाल दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि आप पाकिस्तान के एजेंसी को